हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल एनसीईआरटी अल्लाह में, और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त मिस्टर एमएस। तो देखिए, आज जो आपके लिए चैप्टर है वो है, उसका नाम है हेलन केलर। हेलन केलर एक ऐसी लड़की थी जो बेचारी, मतलब बचपन में तो जब पैदा हुई थी तो बहुत अच्छी स्वस्थ पैदा हुई थी, लेकिन उसको बीमारी हो जाने के कारण वो फिर उसको ज़िंदगी भर वो ना तो देख सकती थी, ना ही सुन सकती थी, ना ही वो मतलब कि बोल सकती थी। तो देखिए अब उस लड़की का क्या होता है, आपको उसकी कहानी बताते हैं। इट वॉज द समर ऑफ 1880। 1880 की गर्मियों की बात है। ए हेल्थी बेबी गर्ल वॉज बॉर्न इन ए स्मॉल टाउन इन अलाबामा। अलाबामा के एक शहर में, एक छोटे शहर में एक लड़की का जन्म हुआ था, एक स्वस्थ बच्ची का जन्म हुआ था। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड हर नेम हर हेलन केलर। उसके जो माता पिता थे उसको बहुत प्यार करते थे और उसका उन्होंने नाम रखा था हेलन केलर। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द बेबी बिकम इल, वो जो लड़की है वो बीमार हो गई। एंड डे आफ्टर डे, दिनों दिन हर फीवर स्टेड हाई, उसका जो बुखार था वो तेज होता चला गया। एवरी वन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर। हर किसी ने परिवार में उसके जो भी था पूरी कोशिश कर ली कि लड़की ठीक हो जाए। बट ऑल्सो कुड से वाज, लेकिन ये बड़ा कहना मतलब मुश्किल था कि देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू, इससे ज़्यादा वो कुछ और नहीं कर सकते थे। द बेबी मे नॉट अलाइव, मतलब वो कहते थे कि अब ये लड़की जीवित नहीं रहेगी। हेलन लिव, लेकिन हेलन जी, मतलब हेलन जीवित रही। बट सी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, लेकिन वो ऐसी नहीं थी अब जैसे वो कभी पहले थी। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, उसके साथ कुछ तो बहुत गलत हुआ था। हर मदर सेड, उसकी मदर ने कहा, एट लास्ट दे फाउंड आउट वाट वॉज रॉन्ग। लास्ट में उन्हें पता लगा कि उसके साथ क्या गलत हुआ है। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर, अब ना तो वो लड़की देख सकती थी और ना ही वो सुन सकती थी। द बेबी ग्रू इन टू ए लिटिल गर्ल, अब जो वो जो बेबी थी, जो बच्ची थी, अब वो एक छोटी लड़की बनने लगी। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके माता पिता को बड़ी मतलब कि अपने आप पे एक प्रकार से उसे मतलब उसके लिए एक प्रकार से बड़ा दया आती थी। हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन हर मदर, हेलन चिल्लाती रहती थी, मतलब रोती रहती थी जब उसकी मदर उसको लेती थी। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट सी वांट, हर फादर वुड से, उसके पिता कहते थे दे दो बेचारी को जो इस लड़की को चाहिए। थो हेलन कुड नॉट हियर और सी, जैसा कि हेलन देख नहीं सकती थी और ना ही सुन सकती थी। सी वाज ए ब्राइट लिटिल गर्ल, लेकिन वो बड़ी एक सुंदर मतलब की लड़की थी। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, कुछ लोग सोचते थे कि हेलन कभी कुछ सीख नहीं पाएगी। हर मदर डिड नॉट एग्री, और उसकी मदर इस चीज़ से मतलब की सहमत नहीं होती थी। हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, हेलन बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थी। सी सेड एंड एडिट, वो कहती थी और उन्हें कहा, द प्रॉब्लम इज़ हाउ वी कैन रीच हर, हमें ज़रूरत है उस तक हम कैसे पहुँचें। सी इज़ लुक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ, वो उसके अंदर मतलब की देखना चाहती थी। हेलन बिगिन टू ग्रो वाइल्ड, अब हेलन मतलब की थोड़ी और मतलब की एक प्रकार से चौड़ी होने लगी। सी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम्ब हर हेयर, शी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम्ब हर हेयर, वो किसी को भी अपना कॉम्ब मतलब की बालों को कॉम्ब नहीं करने देती थी। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, उसके हमेशा क्लोथ जो थे, कपड़े थे, वो गंदे रहते थे। सी वॉज ऑफन एंग्री, वो हमेशा गुस्से में रहती थी। समटाइम्स सी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक डर फिट, कभी कभी वो जमीन पर लेट जाती थी और अपने पैरों को जमीन पर मारती थी। हर पेरेंट्स थो दैट दे शुड, उसके बाद क्या हुआ भाई, हर पेरेंट्स thought that they should find a teacher for her. उसके पिता सोचते थे कि भाई उसको कोई ना कोई मतलब कि हमें टीचर ढूंढना चाहिए। तो मिस सुलेवन, ए यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। भाई मिस सुलेवन जो थी, सुलेवन, उन्होंने मतलब कि उसको एग्री हो गई, वो राजी हो गई, सहमत हो गई कि भाई मैं इस हेलन की मदद करूँगी इस दुनिया को दिखाने में। मिस सुलेवन गेव हर ए डॉल, मिस सुलेवन ने उन्हें एक डॉल दी। डॉल स्पेल्स डॉल, उन्होंने उसका कहा ये डॉल है, कहो डॉल। सी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर इन टू हेलन्स हैंड, उसने उसके हैंड में जो हाथ में मतलब कि उसको पकड़ा कर उसका डॉल का सिंबल बताया, ठीक है ना, इन टू हेलन। सी मेड द लेटर्स विद द स्पेशल हैंड साइन, उसने एक स्पेशल हैंड साइन के मतलब लेटर बनाए, मतलब अक्षर बनाए। हेलन कॉपीड हर टीचर, हेलन ने जैसा उसकी टीचर ने कहा वो उसने ऐसा ही मतलब कि करा, उसने उसको कॉपी करा। एंड स्पेल्ड डॉल, और वो उसको मतलब कि कहा मतलब कि स्पेल्ड करा डॉल टू। बट सी डिड नॉट अंडरस्टैंड वाट सी वॉज डूइंग, लेकिन उसको नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। हेलन लाइक मिस सुलेवन, हेलन मिस सुलेवन को मतलब पसंद करती थी। सी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, वो मतलब कि थोड़ी कठोर तो थी लेकिन बहुत दयालु थी। सी स्पेल्ट लॉट ऑफ वर्ड फॉर हेलन, उसने हेलन के लिए बहुत सारे शब्द मतलब कि लेकर आई। ऑन हर हैंड
डे एंड नाइट, मतलब जो उसके हाथों द्वारा करे दिनों रात, टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, मतलब हेलन को समझाने के लिए। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इन टू रनिंग वाटर। एक दिन हेलन ने उस, मतलब कि हेलन की जो टीचर थी उस, मतलब कि हेलन को उन्होंने जो चलता हुआ पानी को उसको टच कराया। देन सी स्पेंट वाटर, फिर उन्होंने कहा ये वाटर है। सडनली हेलन अंडरस्टैंड दैट वाटर मीन्स समथिंग वेट, फिर वो समझ गई वाटर का मतलब कुछ ऐसा है जो गीला होता है। रनिंग ओवर हर हैंड, जो उनने मतलब कि अपने जो उसने मतलब कि रनिंग ओवर हर हैंड जिसके ऊपर वो मतलब कि पानी हाथ के ऊपर चल रहा था। सी अंडरस्टैंड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, उसे लगा कि जो अक्षर हैं वो दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट मतलब की चीज़ है। वर्ड्स वुड टेल हर एवरी थिंग सी वॉन्टेड टू नो, अक्षर वो सब जानते हैं, मतलब वो सब कहवा सकते हैं जो वो चाहती है। तो इस तरीके से एक लड़की की ये कहानी है, कैसे वो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करती है। तो आपको इसकी कहानी पसंद आई हो तो एक बार आप जरूर लाइक कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मोटिवेशनल कहानी है और बाकी इसके आप क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।